रही मोहम्मद आसम कम्बो की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि किस स्टेज के ऊपर हमने अपनी तिल की फसल को काटना है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि काटने के बाद इसके बंडल कैसे बनाने हैं और इसके मनारे हमने कैसे खड़े करने हैं ताकि बारिशों का क्योंकि मौसम है तो क्योंकि खुश्क होने के लिए इसको 5 से 7 दिन चाहिए, तो इन दोनों बारिशें भी होंगी तो इसलिए इसको इस तरीके से हमने खड़ा करना है कि ये खुश्क भी हो जाए और इसके अंदर बारिश का जो पानी है वो भी कम से कम जो इसको नुकसान करे, तो उसी के ऊपर हमारा आज का जो टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसके बंडल बनाए हैं और किस तरह से इसको खड़ा करना है ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ करीब से आपको। जी दोस्तों, ये आप हमारे सारे मनारे देख रहे हैं कि हर एक जो हमने बंडल खड़ा किया है, जो एक बंडल का जो गुच्छा बनाया हुआ है वो एक दूसरे के फासले पर है ताकि इसके अंदर से आसानी से हवा का गुजर है। दूसरा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब इसकी कटाई करनी है तो कटाई करने के बाद आपने इसके बंडल छोटे छोटे बनाने हैं। जब बंडल छोटे बनाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो अंदर वाले प्लांट हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो अंदर वाले प्लांट ख़राब नहीं होंगे, हीट की वजह से वो गलेंगे नहीं और हमारा जो कैप्सूल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर ये बंडल बड़ा होता तो ये जो अंदर वाले प्लांट आप देख रहे हैं इन्होंने बिल्कुल ख़राब हो जाना था और हमारे जो कैप्सूल हैं वो डिस्टर्ब हो जाने थे। दूसरा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब इनको खड़ा करना है थोड़ा सा टेढ़ा। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि जब ये टेढ़े खड़े होंगे तो इससे ऐसे होगा कि बारिश का जो पानी है वो कम से कम इस कैप्सूल में दाखिल होगा। ये आप देखें, क्योंकि कैप्सूल का मुंह ऊपर की तरफ होता है, तो जब ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो इसके अंदर कम से कम बारिश का पानी दाखिल होगा। और दूसरे नंबर पर जब हम इसको टेढ़ा करेंगे तो दरमियान में से आप देखें कि इसके अंदर एक स्पेस रहती है। हर बंडल को जो पाँव निकाल कर इसको खड़ा किया उसके अंदर एक स्पेस है और इसका ये फ़ायदा होगा कि हवा इसके अंदर से गुजरेगी। जिनका अंदर की तरफ मुंह है हमारा बंडल का, उनको भी हवा पड़ेगी और उसकी वजह से वो हीट नहीं होंगे, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन की अपनी एक हीट होती है, तो इससे ज़मीन की जो हीट है और जो गैसेस है उसका भी खराज होता रहेगा और साथ साथ जो बाहर वाली ताज़ा हवा है वो भी इसके मनारों के अंदर इंटर होगी, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट हैं वो महफूज रहेंगे। आप देख लें कि हर किसी के अंदर हमने ये स्पेस रखी हुई है, ये देखें, ये वाजह तौर पर आप देखें कि दूसरी तरफ से आपको ये लाइट नज़र आ रही है, तो ये आपने कोशिश करनी है, ये बड़ी अहम बात है। ये देखें आप, ये मेरे बंडल है और इसको कोशिश करें कि दरमियान में नीचे से इसको अच्छे तरीके से इसका हवा का जो अखराज है और जो इसकी हवा की वेंटिलेशन होती रहे, तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।